फ्रेंड्स, हमारा ये पहला कॉइल बन चुका है। स्टार्ट करते हैं इसको डालना। ये हमने ये देखिए पहला कॉइल डाल लिया। चार पिच में हमने एक बार घुमाया और छह पिच में इसको दो बार घुमाया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बाकी के कॉइल बना लेता हूँ, फिर इसी तरह डालते हैं उनको भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ये एक सीलिंग फैन है 1440 RPM का, 24 इसके स्लॉट हैं और 5 सूत इसकी अप्रॉक्सीमेट जो कोर लेंथ है। लास्ट वीडियो में हमने इसकी रनिंग वाइंडिंग के बारे में बताया था, आज हम जानेंगे इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले प्लीज़ उसको देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो को देखने का आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमने चार कॉइल इसके नीचे डाले हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, और चार ही कॉइल हम इसके ऊपर डालेंगे। टोटल कॉइल डालेंगे इसमें 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अभी यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, यूट्यूब प्रीमियर, और अगर आपने बेल का आइकन दबाया है तो तब आपको बिल्कुल सही टाइम पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो किस टाइम आएगा और कितने बजे आपके लिए अवेलेबल होगा। और जब वो वीडियो लॉन्च होगा उसी समय मैं वहाँ पर लाइव हूँगा, आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसी समय तुरंत उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखिए मैंने इसका कॉइल बना लिया है, एक कॉइल बना के हम पहले चेक करेंगे। सबसे पहले हम यू को नीचे करेंगे। हाँ, इस वीडियो को आप प्लीज स्किप ना कीजिए, लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में पता चल जाए। अगर आपने इसका रनिंग का पार्ट देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके उस पार्ट को देख सकते हैं। और हमारे ऐसे ही और बहुत से वीडियो मोटर के डाटा कॉइल टर्न के रिलेटेड हैं, आप उनको भी जाके लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे पुराने वीडियोस बहुत ही हमारे चैनल पर पड़े हैं, आप उनको भी धीरे धीरे देख लीजिए। तो ये देखिए हम इसकी पिच रखेंगे 4 और 6। चार पिच में हम कॉइल को एक बार घुमाएंगे, छह पिच में 2 बार। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा पहला कॉइल डल चुका है और बहुत ही इजीली डल गया है। तो चलिए मैं बाकी के 3 कॉइल बना लेता हूँ, फिर हम इसी तरह उन कॉइल को भी डालते हैं और साथ में आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा वायर नंबर यूज़ होगा और कितनी टर्न हम इसके डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसके बाकी के 3 कॉइल भी बना लिए हैं, 1, 2, 3, तीनों कॉइल इकट्ठे ही बना लिए।
तो फ्रेंड्स इसकी पिच रहेगी 4/6 और आप इसमें टर्न डालिए 250। ढाई सौ टर्न डालिए इसमें। 4 पिच में क्वाल को एक बार घुमाइए, 6 पिच में क्वाल को 2 बार घुमाइए। 4 पिच में आपकी टर्न रहेंगी 250 और 6 पिच में आपकी जो टर्न रहेंगी वो रहेंगी अप्रोक्सीमेट डबल हो जाएंगी 500, 500 के आसपास इसकी जो टर्न रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। बिकॉज जब भी नया वीडियो YouTube प्रीमियम में लॉन्च होगा उसी समय जब वो वीडियो लॉन्च होगा उसके थोड़ी देर तक मैं वहाँ पर लाइव रहूँगा और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उनका तुरंत उसी टाइम ही आंसर दे दिया जाएगा। फ्रेंड इसका स्टैंडर्ड वायर गेज जो रहेगा वो रहेगा 36। हमारा दूसरा क्वाइल डलने जा रहा है, आप इसको 36 नंबर से वाइंड कीजिए। हमारे 3 क्वाइल डल चुके हैं, लास्ट क्वाइल हम डालने जा रहे हैं। जी हमने 4 पिच में कॉइल डाला, जी देखिए डाटा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 36 नंबर से रिवाइंड कीजिए, 4/6 पिच रखिए और इसमें टर्न डालिए 250, 250 टर्न डालिए। 4 पिच में कॉइल को घुमाइए एक बार, 6 पिच में घुमाइए कॉइल को 2 बार। और अगर आपको जो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो प्लीज़ बनता ही है और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो फ्रेंड्स इसके चारों क्वाइल बन चुके हैं, डल चुके हैं, हमारा जो फैन है ये कंप्लीट हो गया है। ये 1440 आरपीएम का हाई स्पीड फैन है और हमने इसकी आज मोटर वाइंड की है। अभी मैं आपको इसके कनेक्शन किस तरह है वो भी आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड इसके कनेक्शन इस तरह हैं, ये देखिए ये हमारा एक क्वाइल, ये हमारा सेकंड क्वाइल, ये हमारा थर्ड क्वाइल और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाइल। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने ले ली इसकी एक लीड रनिंग की, ये हो गया इसका बैक, ये नेक्स्ट, ये बैक नेक्स्ट, ये बैक, ये नेक्स्ट, ये बैक नेक्स्ट, सही है फ्रेंड्स। ये हो गया रनिंग की एक क्वाइल लीड, हम नेक्स्ट को नेक्स्ट से ज्वाइंट कर देंगे और बैक को हम बैक से ज्वाइंट करेंगे, इसी तरह नेक्स्ट को नेक्स्ट से, राइट। अभी ये आ गई हमारी दूसरी रनिंग की लीड, यह है रनिंग 1,
ये है रनिंग टू, ये देखिए ये रनिंग वन, ये रनिंग टू। इस तरह आप इसके कनेक्शन चार पोल में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो जब भी हमारा वीडियो लॉन्च हो उसी समय आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस समय मैं वहाँ पर लाइव हूँगा और आपके आंसर जो है तुरंत दे दिए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।